एयर इंडिया भारत सरकार की एयरलाइन सर्विस की कंपनी, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा और कभी ना कभी इसमें यात्रा की हुई होगी। लेकिन अब यह कंपनी भारत सरकार की नहीं रही। जी हाँ, बहुत सालों से घाटे में चल रहे इस कंपनी को आखिर टाटा ग्रुप्स ने इसे अपना बना ही लिया। तो चलिए जानते हैं कैसे। टाटा के पास एयर इंडिया को वापस आने में कुल 68 साल लग गए। यह साल 1953 था जब भारत सरकार ने टाटा सन्स से एयर इंडिया में मालिकाना हक खरीद लिया था। ऐसे में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के पास वापस आने में कुल 68 साल का समय लग गया था। आइए एयर इंडिया की स्थापना से लेकर इसकी दिलचस्प कहानी को जानते हैं। एयर इंडिया की स्थापना सन 1932 में हुई थी। 1932 में टाटा एयर सर्विसेज के तौर पर हुई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया था। एयरलाइन की शुरुआत भारतीय बिजनेसमैन के दिग्गज J.R.D. टाटा ने की थी। सन अप्रैल 1932 में टाटा ने इंपीरियल एयरवेज के लिए मेल ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इसके बाद टाटा सन्स ने दो सिंगल इंजन विमानों के साथ अपना एविएशन डिपार्टमेंट बनाया। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा ने कराची से बॉम्बे के लिए एक एयर मेल ले जाने वाला विमान उड़ाया। यह एयरक्राफ्ट मद्रास तक गया, जिसके पायलट पूर्व रॉयल फोर्स के पायलट नेविल विंसेंट थे, जो टाटा के दोस्त भी थे। शुरुआत में कंपनी ने साप्ताहिक एयर मेल सर्विस का संचालन किया, जो कराची और मद्रास के बीच और अहमदाबाद और बॉम्बे के जरिए चलती थी। अपने अगले साल में एयरलाइन ने लगभग 2,60,000 किलोमीटर की उड़ान भरी। इसमें पहले साल में 155 मुसाफिरों ने सफ़र किया और 9.72 टन मेल और 60,000 रुपये का मुनाफा भी कमाया। तो चलिए जानते हैं कैसे टाटा एयरलाइंस नाम पड़ा। एयरलाइन ने 6 सीटों वाली माइल्स मर्लिन के साथ बॉम्बे से त्रिवेंद्रम के बीच अपनी पहली घरेलू उड़ान की शुरुआत की। साल 1938 में इसका नाम टाटा एयर सर्विसेज से बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। 1938 में इसके गंतव्यों में कोलंबो और दिल्ली को जोड़ा गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एयरलाइन ने रॉयल एयर फोर्स की उनकी सेना की आवाजाही, सप्लाई ले जाने, शरणार्थियों को बचाने और एयरक्राफ्ट के रखरखाव में मदद की। अब जानते हैं नाम एयर इंडिया कैसे पड़ा। सन 1962 में इसका नाम एयर इंडिया पड़ा। 21 फरवरी 1960 को एयर इंडिया इंटरनेशनल ने अपने पहले बोइंग 707 और 420 को बेड़े में शामिल किया। एयरलाइन ने 14 मई 1960 को न्यूयॉर्क को सेवाएं शुरू कर दी। 8 जून 1962 को एयरलाइन के नाम को आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया कर दिया गया और 11 जून 1962 को एयर इंडिया दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई। अब आता है साल 2000। साल 2000 में एयर इंडिया ने शंघाई चीन को सेवाओं की शुरुआत की। 23 मई 2001 को नगर विमानन मंत्रालय ने उस समय कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर माइकल मैसकैरन हैस पर भ्रष्टाचार का चार्ज फिक्स किया। साल 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया लिमिटेड का मर्जर किया गया। तो चलिए जानते हैं आखिर सरकार क्यों एयर इंडिया को बेच रही है। सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि वित्त वर्ष 2019-2020 के प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक एयर इंडिया पर कुल 38,366 करोड़ रुपए का कर्ज है। एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV को एयरलाइन द्वारा 22,064 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के बाद किया रकम है। सरकार ने संसद को बताया कि अगर एयर इंडिया बिक नहीं पाती है तो उसे बंद करना एकमात्र उपाय है। एयर इंडिया के पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है तो चलिए जानते हैं। 31 मार्च 2020 तक एयर इंडिया की कुल फिक्स्ड प्रॉपर्टी करीब 45,863 करोड़ रुपए है। इसमें एयर इंडिया की जमीन, बिल्डिंग्स, एयरक्राफ्ट फ्लीट और इंजन शामिल है।
आखिर एयर इंडिया के बिकने के बाद उनके कर्मचारियों का क्या होगा? सरकार ने संसद में बताया था कि गाइडेंस के आधार पर एयर इंडिया कर्मचारियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, साथ ही उन्हें भी पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। आखिर 68 साल बाद फिर से टाटा की हो ही गई इंडिया कंपनी। यह इंडिया एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप की ही कंपनी थी। इसे बाद में स्थापना JRT टाटा ने 1932 में की थी। आज़ादी के उद्यन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके चलते सरकार ने एयरलाइंस के 49% शेयर खरीद लिए। बाद में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और 29 जुलाई 1946 को इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। साल 1953 में सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और कंपनी के फाउंडर JRD टाटा से मालिकाना हक खरीद लिया। इसके बाद फिर इस कंपनी का नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड रखा गया। इस तरह टाटा ग्रुप ने एक बार फिर 68 साल बाद ही अपनी कंपनी को वापस पा ही लिया। आपको एक बात और दे, एयर इंडिया जिसके मालिक JRD टाटा जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वे भी खुद एक कुशल पायलट थे।